हार के बाद कप्तान नीतीश राणा ने मचाया गदर, गुस्से में बदल डाली कोलकाता की पूरी टीम। दिल्ली को कुचलने के लिए अचानक मैदान में उतार दिए 11 घातक लड़ाके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के खिलाफ मैच के लिए केकेआर की फाइनल प्लेइंग 11 बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले मुकाबले में हार के बाद केकेआर की टीम आज दिल्ली का सुपड़ा साफ करने उतरेगी। दिल्ली में होने वाले मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली लगातार 5 मैच हारने के बाद जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। वहीं केकेआर भी लगातार 2 मैच हारने के बाद ये कतई नहीं चाहेगी कि वो फिर से हार की राह पर चली जाए। वैसे डेविड वार्नर और मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ियों के गढ़ में केकेआर के लिए अपनी जीत की डफरी बजाना आसान काम नहीं होगा, लेकिन केकेआर के पास रिंकू सिंह और आंद्रे रसल जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है। दिल्ली की पिच की बात करें तो यहाँ रनों की खूब बौछार होती है, लेकिन ओस के चलते बाद में गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है और इस पिच पर स्पिनर्स का बोल बाला रहता है। वहीं हेड टू हेड की बात करें तो केकेआर का डीसी पर पल्ला भारी है। इसको बरकरार रखने के लिए कप्तान नीतीश राणा ने 11 घातक लड़ाके घोषित किए हैं, जो दिल्ली का कचूमर निकाल देंगे। चलिए आपको बताते हैं कौन है वो 11 घातक लड़ाके। दोस्तों, ओपनिंग की बात करें तो अफगानी बैटर गुरबाज फॉर्म से जूझ रहे हैं, ऐसे में गुरबाज की जगह जेसन रॉय आपको जगदीशन के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि पीएसएल में जेसन रॉय का बल्ला जमकर बोला था, ऐसे में रॉय अकेले ही दिल्ली को तहस नहस कर सकता है। ओपनिंग जोड़ी के बाद 3 नंबर पर केकेआर के इंपैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर आपको खेलते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने 15 साल बाद केकेआर के लिए दूसरा तूफानी शतक ठोका था। उसके बाद मिडिल ऑर्डर की कमान केकेआर के कप्तान नीतीश राणा, आंद्रे रसल और 5 गेंदों में 5 छक्के जड़ कोहराम मचाने वाले रिंकू सिंह के हाथों में होगी। मैच से पहले कप्तान नीतीश राणा ने साफ कर दिया कि आज रिंकू सिंह और आंद्रे रसल को बैटिंग में ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद केकेआर की घातक बॉलिंग लाइनअप शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत कोई और नहीं बल्कि उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर और रफ्तार के सौदागर लोकी फर्गुसन करेंगे। वहीं केकेआर की स्पिन तिकड़ी इस आईपीएल सीजन की सबसे खतरनाक है। मैच दर मैच सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती और भी ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। इस सीजन दिल्ली के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते नजर आए हैं, ऐसे में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की आग उगलती गेंदों का खौफ इस मैच में साफ नजर आने वाला है। वहीं तीसरे स्पिनर की बात करें तो सुयाश शर्मा ने अभी तक केकेआर के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ऐसे में इस खतरनाक तिकड़ी के आगे दिल्ली के लिए मैच जीतना आसान काम नहीं होगा। दोस्तों, केकेआर ने इस सीजन में 5 मैचों में 2 जीत हासिल की है। पहली जीत में लॉर्ड शार्दुल और दूसरी जीत में रिंकू सिंह ने गुजरात के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी, ऐसे में ये मुकाबला भी सुपर डुपर होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश राणा के नाइट राइडर्स दिल्ली के किले को भेद पाएंगे? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।